जनपद कुशीनगर में एक स्थानीय समाचार पत्र हिंदी ने खबर छापी है और अभी पता लगा है कि एक राष्ट्रीय चैनल ने भी एक खबर चलाई है कि जनपद कुशीनगर में निजामुद्दीन जमात से आए हुए 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जो 14 लोग कल गिरफ्तार किए गए हैं वो किसी जमात से नहीं आए हैं, बल्कि वो नेपाल पड़ोसी नेपाल के सीमावर्ती गांवों के रहने वाले हैं और वो मस्जिदों में जगह जगह तकरीर करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं जो लगातार मस्जिदों में यहाँ पे आते रहते हैं। और लॉकडाउन होने के पश्चात उन्हें मस्जिदों से निकाल दिया गया था क्योंकि मस्जिदों में किसी को रखना अलाउ नहीं था। इस दौरान मस्जिदों की तलाशी भी ली गई है, मदरसों की भी तलाशी ली गई है, तो वो लोग वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। इसी बीच एक गांव के सब इकट्ठे हुए तो सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने इन्हें इकट्ठा किया, क्वारंटाइन सेंटर में डाला है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है। और अभी स्थानीय मौलानाओं से मेरी बात हुई है, उन लोगों को मैंने उनसे बातचीत करने के लिए पूछा है वो कहाँ कहाँ रहे हैं, पूरी उनकी हिस्ट्री पता करने के लिए। लेकिन ये अब तक की पूछताछ से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये न तो दिल्ली गए थे न तो इनका कोई जमात है, और जमात के नाम पर इस तरह की खबर बना करके सनसनी फैलाना निहायत गलत बात है, जिसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। धन्यवाद।